सोलन के आईटीआई में सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जागरूकता शिविर में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये जागरूकता शिविर क्षेत्रीय यातायात प्रबंधक द्वारा लगाया गया था। इस मौके पर निजी बस ऑपरेटर यूनियन पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए युवाओं को जागरूक करना था, ताकि दुर्घटनाओं को जागरूकता की वजह से टाला जा सके। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष रघुविंदर मेहता ने विभाग द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान को सराहा और कहा कि विश्व में भारत के अंदर सबसे ज्यादा मौतें दुर्घटनाओं में होती हैं। ये दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि चालक यातायात नियमों की पालना नहीं करते और दुर्घटना का शिकार होकर अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए सरकार द्वारा इस तरह के अभियान समय समय पर चलाए जाने चाहिए। बेंक क्षेत्रीय यातायात प्रबंधक सुरेश सिंगा ने कहा कि विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है, जिसके तहत युवाओं और चालकों को जागरूक किया जाता है कि वे वाहनों को केवल नियमों के अनुसार ही चलाएं, अन्यथा वे किसी भी अप्रिय घटना का शिकार बन सकते हैं। वे केवल नियमों की पालना कर ही अपने और दूसरों के जीवन को बचा सकते हैं। देखिए, पिछले 18 जनवरी से जो है वो लगातार जो है सड़क सुरक्षा जो महीना चल रहा है उसके तहत गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, और उसी के तहत उसी कड़ी में आज जो है वो यहाँ आईटीआई सोलन में भी जो है वो बच्चों के साथ हम जो है इस पे चर्चा कर रहे हैं। जो बच्चे हैं इनको जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से जब भी सड़क पे चले आप सुरक्षित होके चले, आपका अपना जीवन भी अमूल्य और दूसरों का जीवन भी अमूल्य है। तो सड़क पे जब भी चले सावधानी से चले और गलत ओवरटेक ना करें, तेज़ गति से गाड़ी ना चलाएँ, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएँ, और जो भी नियम हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, और ताकि जो बच्चे हैं उनको जानकारी हो कि किस तरह से हम जो है वो सड़क पे गाड़ी सुरक्षित तरीके से चला सके। तो इनको जो इस बारे में जागरूक किया जाएगा। जो मोटर व्हीकल अधिनियम है उसमें जो प्रावधान है उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि अगर आप गलत तरीके से जो है वो गाड़ी चलाते हैं तो क्या क्या जो है उसमें जुर्माना हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जैसे डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस है, आपका इंश्योरेंस है, फिटनेस है, इसके बारे में भी जो है वो जानकारी दी जाएगी कि आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो बिल्कुल जो है वो सही रखें, और जो अगर उनकी वैलिडिटी नहीं है तो आप जो है वो गाड़ी ना चलाएं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जो जानकारी दी जाएगी। हमारा 17 फरवरी को जो है वो इसका समापन होगा। 17 फरवरी को जो है समापन होगा अभी जो सड़क सुरक्षा माह है। लेकिन जहां तक इसकी बात है लोगों को जागरूक करना सड़क सुरक्षा के बारे में, तो उसको वो गतिविधि हम आगे भी करते रहेंगे। देखिए, ये हिमाचल सरकार का एक बहुत सराहनीय कदम है कि हिमाचल सरकार सड़क सुरक्षा मना रही है और आम जनमानस को इसमें जागरूक कर रही है। क्योंकि अगर हम बात करें पूरे विश्व में जो हमारा भारत है वो पहले स्थान में है जो दुर्घटनाओं की अगर हम बात करें, जो रोज़ाना जो दुर्घटना सड़क दुर्घटनाएं होती है और जिसमें हमारे लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम प्रदेशों की बात करें तो उसमें हिमाचल प्रदेश नंबर एक पे है। तो हम ये चाहते हैं कि आम जनमानस में इस तरह की जागरूकता हो कि वह नियमों का पालन करें जो नियम बनाए गए हैं, और गाड़ी को ज़्यादा होश में चलाएं, ना कि जोश में चलाएं। ये जो गाड़ी को ज़्यादा जोश में और जो हम ये कहें कि नशे का सेवन करके गाड़ियों को जो चलाया जा रहा है, इस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं।